प्रदेश के समाज कल्याण और जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री गोरखपुर पहुंचे और सर्किट हाउस के सभागार में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सावधानी सतर्कता कोविड से बचाव के सर्वोत्तम उपाय हैं। उन्होंने टेस्टिंग ट्रेसिंग को बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोविड मरीजों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए, इनके इलाज और देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जनपद में कोविड प्रबंधन पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों की टीम भावना के साथ कार्य कर कोविड को नियंत्रित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में निर्धारित रेट से अधिक टेस्टिंग रेट ली जाती है तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाया जाए, कोविड हॉस्पिटल में CCTV कैमरा अवश्य हो ताकि गतिविधियों व्यवस्थाओं की निगरानी की जा सके, मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित हो और पब्लिक प्लेस पर भीड़ ना हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी किया जाए तथा कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि जनपद में कुल 103 टीमें लगाई गई हैं तथा 1,464 निगरानी समितियां गठित हैं जो क्रियाशील हैं। जनपद में 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के 244,661 व्यक्तियों का तथा 18 से 44 वर्ष के 62,214 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जून माह तक जनपद में 5,000 बेड व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में 2,077 बेड है जिसमें 500 बेड BRD मेडिकल कॉलेज में है। कोविड से बचाव कार्यों में प्राइवेट अस्पतालों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोविड प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की गई है। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज कल्याण एवं प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, हमारी निगरानी समितियाँ हैं सर, जो घर घर निगरानी करती हैं, उसमें हमारे काम ये हर गांव में बनी हुई सर एक समिति क्या सर, जो ग्राम स्तर का जो कर्मचारी लोग रहते हैं यहीं तो वॉलंटियर कुछ लोग रहेंगे, मान लीजिए सर उसके हमारा सफाई कर्मचारी भी है, लेखपाल भी है, कोटेदार भी है, या ऐसे टीम काम करते हैं कि जिस तक मेंटेन करते हैं उनको, जो गाँव में कौन नया आया है और किसका लक्षण है तो फिर अभी जो मामूली राशन को अलावा लगाने के लिए सर हर यूनिट में 5 किलो कटे वो भी सर अभी नया जो कितने वो फ्री है, जो पहले जो राशन उनको मिलता है वो 2 रुपये 3 रुपये अगर अच्छा का तो ये भी शिकायत नहीं मिली है सर, और गाँव में इलाका तो
बना दीजिए, काफी सारा यहाँ पे भी मेरा ये है कि बढ़िया पार्टी हो जाएगी है ना। और अजय कुमार सर जिला महिला जिला पंचायत जिला पंचायत जिला पंचायत क्या क्या दिन मेरा एक आपके इंजीनियर है। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए हमारे गोरखपुर के अधिकारी और बाबा जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है हम उसी को समीक्षा करने आए थे। और आपको खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिन में अब कोरोना से पूरी युद्ध किया जाएगा और कोरोना को भगाया जाएगा। सब प्रकार की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्था हो गई है, लोगों को सब एक साथ मिल करके काम करने की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले आ रहे हैं बढ़ते बढ़ते, इस तरीके से रोकथाम की तैयारी हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ बना दी गई है, गांव से लेकर के जा करके और शहर तक, ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर से लेकर के यहाँ नगर तक सारी व्यवस्था हमारे अधिकारी और सारे उससे लगे हुए वर्कर कर रहे हैं।